क्या आपको पता है कि ध्रुव तारा की तारा यानी कि रिया शर्मा ने मरीन ड्राइव पर अपने सामान के साथ एक पूरी रात बिताई थी। वेल, इसके अलावा भी रिया ने बहुत स्ट्रगल किया है। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रिया ने अपने बात की अपने करियर से रिलेटेड कई सीक्रेट्स के बारे में। आई वॉज गोइंग टू रेंट अ हाउस। अब वो आंटी ने बोल दिया कि जब तक के पूरा अमाउंट नहीं मिलता और जब तक कि पुलिस वेरिफिकेशन का वो डॉक्यूमेंट नहीं आता, आपको अंदर चाबी नहीं मिलेगी। आई वाज लाइक, लिसन, जस्ट गिव मी द की, आई विल पे जो भी एक्स्ट्रा दो दिन का होगा। बट शी डिड नॉट लिसन टू मी, शी डिड नॉट हेल्प मी। तो हाँ, एक दिन तो निकल गया, आई वाज एट अ फ्रेंड्स। अब मुझे वहाँ पर भी अनकम्फर्टेबल लगने, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हो। तो द नेक्स्ट डे आई वेंट टू द मरीन ड्राइव, बिकॉज आई न्यू सैटरडे नाइट था, आई न्यू देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हियर एंड आई न्यू दैट आई विल बी सेफ हियर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। शी वॉज बिहेविंग इन अ वियर्ड वे विद मी ऑनेस्टली, तो मुझे निकलना पड़ा उसके घर से। अच्छा। एक ही दिन की बात है, आई कुड हैव स्टेड एंड आई डिड नॉट आस्क फॉर द मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स टू बुक अ होटल और एनी थिंग फॉर वन मोर डे। सो आई स्टेड द होल नाइट एंड इट वॉज वेरी कोल्ड, आई हैड माई सूटकेस विद मी, आई स्टेड द होल नाइट एंड आई हैव टू गेट थ्रू दिस एनी हाउ। एंड जो मेरी वो अगली मॉर्निंग थी ना, जो मैंने निकाली है, क्योंकि मैं सोई नहीं थी, मुझे डर था कि कोई कुछ उठा ना ले। दैट मॉर्निंग वॉज, आई विल नेवर फॉरगेट दैट मॉर्निंग, क्योंकि मैंने जो, मैं इतने कम्फर्ट जोन से आई थी अपने घर से, तो तब मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। बट फिर जो मुझे घर की चाबी मिली ना, वो मेरी फीलिंग ही अलग, सेवेंथ नाइन्थ ओशन पे मैं थी वो चाबी लेकर। तो तब से मैंने, आज तक मैंने घर से कभी पैसे नहीं लिए, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट माई फर्स्ट शो ऑन सोनी सब विद शेखर सुमन। सो आई स्टार्टेड लाइक दैट एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग। तो वहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ था ऑनेस्टली, कि नया शो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बट गॉड वॉज वेरी काइंड टू मी, सो आई गॉट इट। दीपिका सिंह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने डांस के वीडियोस पोस्ट करती रहती है, जहां उनके फैंस दीपिका की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं, वहीं कुछ ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल भी करते हैं। ऐसे में दीपिका को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ट्रोलर्स के लिए दीपिका क्या सोचती है, आप भी सुनिए। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई, और मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आई एक्सेप्ट इट। वो कोई नहीं है, कौन है? और पहली बात, इट्स सोशल मीडिया, इट्स नॉट डांस दीवाने, इट्स नॉट सुपर डांसर्स। जब मैंने डांस दीवाने में डांस किया तो माधुरी दीक्षित को मेरा, उन्होंने, उनको मेरा डांस बहुत अच्छा लगा और सुनील शेट्टी जी ने भी मेरी बहुत तारीफ की। तो जहाँ अच्छा करना है मैं वहाँ अच्छा करती हूँ। यहाँ पे कौन बैठा है जज बन के? ट्रॉलर्स, ओ माई गॉड, जो मेरा ही वीडियो डाउनलोड करके अपने पेज पर डालते हैं और उस पर उल्टा सीधा लिखते हैं, जिनके खुद की, मैंने तो 30 सेकंड्स खर्च किए बट उन्होंने तो उतने भी नहीं किए, दूसरे का चोरी किया माल डाल रहे हैं और उस पर लिख रहे हैं, तो चोरों के बारे में मैं क्या बोलूं? सही बात, मेरा ही माल उठाकर आप उस पर उल्टा सीधा लिख रहे हो। तो मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि मैंने अपने दुश्मनों को भी दिया है। जब से ईशा मालविया और सामर्थ जुरल का ब्रेकअप हुआ है, इनसे जुड़ी रोज कुछ ना कुछ खबरें आती ही जा रही है। ऐसे में हाल ही में एक इंटरव्यू में सामर्थ ने ईशा को लेकर कह दी है बड़ी बात। जी हां, सामर्थ का कहना है कि वो ईशा के लिए सिर्फ अट्रैक्शन थे। सामर्थ ने कहा कि उसकी मॉम खुद बोलती थी मुझे कि उसका ये सिर्फ अट्रैक्शन है, इसको कोई भी पसंद आ जाता है, सिर्फ देखने में अच्छा होना चाहिए। वेल, ऐसे में इनके रिश्ते की सच्चाई क्या है, ये तो यही दोनों बता सकते हैं।